दिन व्लॉग को आज एक हमने कुकिंग करना है जी, कोई एक हमने एक कुकिंग करने का शेफ साइलेंट आज मैं बनाऊं जी शेफ। बाहर के लोगों से आप थक चुके होंगे, अब हम लाएंगे जी आप लोगों के लिए एक नया रेसिपी लेके आए हाजिर हुआ हूं जी। तो जी आज हमने बनाना है जी, आपने सुना होगा दमपोख नाम का एक डिश, सुना होगा रेसिपी, तो हम आज रेसिपी लेके आएंगे। तो हमारे पास है जी ये कैमरा कैमरा थोड़ा ज्यादा लेके गई। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या हो जाए, अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर लेमन, ये जरा इसको जरा ख्याल रखिएगा। इसके साथ हमारे पास चाहिए जी गरम मसाले के साथ प्याज और आलू भी हमें चाहिए, और उसके साथ आपको ना नमक बहुत जरूरी है जी, ये नमक का है। और इसके साथ ये मैंने पेड़ा, यार मुझे वो आटा गूंदना अच्छा नहीं लगा ना यार, मैं मर्द हूं ना, इस वजह से मैं बाहर से लेके आया हूँ जी। और मेरे पास है जी एक किलो, मैंने एक मोटा गोश्त लेके आया हूँ जी, बीफ का गोश्त है। अब जी दमपोख बनाना हो गया जी आसान, आप घर में इजीली बैठ के शिनवारी का और बड़े बड़े रेस्टोरेंट का आप ये रेसिपी आप अपने घर में बना सकते हैं जी। आइए हम चलते हैं इसको कैसे हमने वो करना है। ये सिंपल तरीके, सिंपल कुछ काम नहीं है, मजीद आपको बस सिर्फ उसको मैंने साफ करके लाया जी। जनाब फतेहला लाइए, अच्छा इस अदरक को ऐसे ही रखना है, इसको अदरक को ऐसे ही रखना है, लहसुन को भी सब कुछ ऐसे ही रखना है जी, कोई आपको एक्स्ट्रा काम नहीं होगा जी। ठीक है जी, ये जी हमारा पतीला आ गया जी, मतलब बाजार से खरीदा धोया और इसको बस सीधा लगा दिया जी, ये ढक्कन वहां रख रख दीजिए आगे जी। ना जी हम इसको अब डेकोरेट करना है जी, ये मेरा ढक्कन थोड़ा वो ये टॉप पे थोड़ा मसला कर रहा है जी। अब इसको कैसे करना है जी, अब सबसे पहले आपने करना है जी जो मैंने एक्स्ट्रा चर्बी लाई है जी, चर्बी को सबसे पहले मैंने नीचे रखना है, चर्बी को मैंने नीचे रखना है जी। और उसके बाद मैंने बड़े बड़े गोश्त लाए हैं क्योंकि ये स्पेशली लाए हैं जी, इसको हमने इस तरह डेकोरेट करना है जी। कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है जी, आप इजीली रिलैक्स इसको आपने रिलैक्स, अब ये आपने गोश्त लगा दिया ना, अब हम आगे के प्याज की तरफ जाएंगे जी। प्याज को हमने लगाना है जी सिंपल तरीके से, आपने रखना है जी साइड पे, ठीक है जी आपने रखा है। उसके साथ आपने आलू को लगा देना है, ऑर्गेनिक फूड आपको देखने को मिलेगा, और ऑर्गेनिक फूड इतना मजे का आपको ये दमो यहाँ पे मिलेगा। ये जी सईदन का एक स्पेशली एक मुझे सबसे फेवरेट, मेरा जो फेवरेट है उसमें आपने ये लगा दिया ना। अब इसके बाद आपने टमाटर को, देखो टमाटर को आपने काटना भी नहीं है, लगाओ जी टमाटर सिर्फ साफ करना है, जो मट्टी छट्टी है उसको खत्म करना है। और उसके बाद जो अदरक है ना, अदरक को आपने चारों कोने पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा टोपी मसला कर उतार रहा हूँ, और इसके बाद हमने लगाना है गर्म मसाले, क्योंकि गर्म मसाले ना आपको जो टेस्ट लाएगा ना, क्या मजे की टेस्ट आएगा यार, मजे की टेस्ट आएगा ये इसमें ना, तो पूरा नहीं डालना है, हल्का सा डाल देना है, हल्का सा हमने ज्यादा तो मजा नहीं आएगा यार। वो चाकू लाना, इसको थोड़ा कट करेंगे, ये मैं कट करना भूल गए थे, तो इसको लगाने से ये अगर तीनों कट करके डालेंगे तो कड़वा नहीं हो जाएगा? नहीं इसमें मतलब लगा तो मसला नहीं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी कम है, जिनके पास क्वांटिटी ज्यादा है वो मैं हम पूरा नहीं लगा रहे उसको, एक डाल देंगे इससे ज्यादा नहीं। अब हमारा भी ये हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वो गैस का थोड़ा मसला है, इस वजह से मैं इसको हल्का सा डाल रहा हूँ ताकि ये गोश्त को पकाने में थोड़ा आसानी में ज़्यादा निकाल। अब हो गया जी, अब हमारे पेड़े का काम आ गया जी, अब इसको दम पे लगा देना आपने, ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, दम पे लगा देना है जी। अब दम पे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हवा नहीं निकले, जब हवा नहीं निकलता है ना तो इसका फायदा ये होगा जी पकने में आसानी होगी, ठीक हो गया जी। ये लगा दीजिए, अब हम लगाएंगे जी इसको भी, ये अफगानी डिश है जी, ये काबुल वालों ने बनाया है जी, अच्छा। हम काबुल वालों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और ये पिशावर में ये बहुत बड़ा
मशहूर है जी, पिशावर वालों का एक मशहूर डिश है ये। ठीक है जी, आपने ये कहाँ से सीखा है? जी मैंने ये सीखा है जी, हमारे जो मामू है ना, वो अभी मामू हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सैयद नजमुद्दीन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, उसका हमने खाया था यार, यार वो बनाते हैं ना, क्या बनाता है यार, उसका हाथ में भी जो टेस्ट है ना मामू, हम आपको मिस करते हैं। इस वक्त वो शिखर में है जी, वो शिखर में अपना काम कर रहे हैं जी वो। तो ये हो गया जी हमारा दम को लगाने के लिए हमने। ठीक है जी, बिल्कुल। इसका नाम दम पोह क्यों है आप बता सकते हैं? यार दम पोह में बताता हूँ ना, क्योंकि दम से आपको नजर हो रहा होगा ये जो लगाने का मसाला था दम। ठीक है, पोह पश्तो जबान का लफ्ज़ है, पोह पकाने को कहा जाता है, वो जो दम पे जो पकाते हैं ना उसे दम पोह कहा जाता है। ठीक है, अभी हमारा एक काम हो गया जी, इसके लिए अगर कुकर हो जाए तो ज्यादा बेटर है जी। अब हमने उसको ले गया चूल्हे पे, और इसमें चूल्हे पे हमने इसको लेके आना है जी, हम इस पे रखेंगे और इसको जरा आप दिखा दीजिए ऊपर से, मैं उसमें डालना है जी ग्लास की तरह ग्लास से हो रहा। अब इसमें आपने पानी ऐड करना है, पता है जितना पानी ऐड करो, एक गिलास नहीं कम से कम दो गिलास हमने पानी डाल दिया। ठीक है, अब इसमें ऑयल नहीं डाला था लेकिन हम हल्का सा डाल देंगे। ठीक, हल्का सा हमने ऑयल डाल दिया जी, ये आपका दम पोह रेडी हो गया जी। बस अभी और कोई काम नहीं है, सब कुछ हमने डाल दिया है जी। अब हम इसको इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे, ढक्कन ले आओ यार। अच्छा, इसको ढक्कन चढ़ा के कितना? ढक्कन हमने चढ़ाना है जी इसको, हम आधे घंटे के लिए इसको रख लेंगे, हल्की आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है, वो सब कुछ बताएंगे यार। तुम एडवांस स्टूडेंट क्यों हो रहे हो यार? यार मैं भी तो एक शेफ हूं ना, असल में। हां तू एक जी नाज़रीन, ये देखो बिल्कुल हमने पैक कर दिया, देख अब इसमें ना हवा भी नहीं निकलेगी। इसके ऊपर ये ब्लॉक रखना है, अब हम एक ब्लॉक रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा प्रेशर करने के लिए ना, हमारे पास छोटा ब्लॉक है, कोई बड़ा ब्लॉक नहीं रख सकते। और जी लाइटर लाओ जी, हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे जी, लाइटर जल्दी लाओ, हमने उसको रखना है जी हल्के आंच पे हम रखेंगे। आय हाय हाय, आप उसको थोड़ा प्रेशर रखेंगे क्योंकि थोड़ा गर्म होने तक। अच्छा, गर्म होने के लिए हम प्रेशर पर रखेंगे। ठीक है जी, चलिए बाकी हिस्सा पकाने के बाद दिखाना है। अब इसको आपने रखना है आधे घंटे पे हल्की आंच पे रखना है, हल्की आंच पे आपने रखना है, फिर उसके निकाल के फिर खाओ ना, क्या टेस्ट आएगा। हम पकने के बाद आप लोग को दिखाएंगे, टेस्ट का हम रिव्यू जरूर देंगे, जरूर देंगे। जी हमारे साथ रहिए। Now viewers, our dum poh is ready. Yes. It's show time. देखो मैं प्लेट में निकाल रहा हूँ जी, जब दिखाओ क्या हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, इस तरह का दम पोह होता है जी। जी दम पोह देख, मैं ये दिखाता हूँ, देख ये देखिए, ये देखिए, हाय हाय, बिल्कुल गोश्त ना अलग अलग हुआ है, देख अलग थलग हो गया है, देख अलग थलग गोश्त, हाय हाय, वाह वाह, शाया अपनी ठीक हो गया यार। ये देखो आलू, आलू देख, आलू चक्कर यार, ये देख आलू चक्कर आए है। अच्छा ठीक 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 है, इसको तो अभी ना काफी है, काफी है, इतना काफी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी हमारा दम पोह भी रेडी हुआ था जी। अब हम इसको टेस्ट करेंगे जी। देखो आप घर में सुकून से पहले मैं टेस्ट करके बताता हूं जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, मैं टेस्ट करता हूं, मैं टेस्ट करता हूं, मैं टेस्ट करता हूँ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुक टेस्ट नहीं करते यार, कुक तो अपने चीज को सही बोलेगा ना, क्यों इम्तियाज? हाँ ना, क्या कहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई विल हैव टेस्ट। वाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा है। तो सईदीन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी, ये दम पोह हमने बनाया है जी। तो इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहें, अपना सारा ख्याल रखिएगा। सईदीन ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।